नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में सबका स्वागत करती है। पिछले कक्षा में हमने ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत का आधा भाग पढ़े, आज बाकी पढ़ेंगे। तो कविता सुने लता मंगेशकर की आवाज में, आइए सुनिए गीत। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून खिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, थी
खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी सरा याद करो कुर्बानी। कविता का आशय इस प्रकार है, जब हम लोग दिवाली मना रहे थे तब वे जान से होली खेल रहे थे। जिस वक्त हम घरों में आराम से बैठे थे उस समय वे गोलियों छेल रहे थे। अपनी जवानी देश के लिए अर्पित करने वाले वे जवान और उनकी जवानी भी धन्य है। सीमा पर मरने वाले जवानों में सिख, जाट, मराठा, गूरखा और मद्रासी है। वे सब धीर भारतवासी थे। उन दिनों पर्वत पर गिरा खून हिंदुस्तानी का खून है। शरीर खून से लथपथ होने पर भी उन्होंने बंदूक उठाकर शत्रुओं को मारा। अपना होश गवाते वक्त तक वे लड़े। अंतिम समय में वे कह गए कि अब हम मरते हैं, प्यारे देशवासियों तुम खुश रहो, अब तो हम सफर करते हैं। देश प्रेम के दीवाने उन वीर अभिमानी सैनिकों की जय बोलकर हम आगे बढ़े। ये पाठ भाग का प्रश्न देखें, हमें क्या लहरा लेना है, तिरंगा झंडा। ये देशभक्ति गीत किसने लिखा, कवि प्रदीप। यात्रा शब्द का समानार्थी हिंदी शब्द कौन सा है, सफर। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है, अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।